पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबे भर में केचप, सॉसेज और मायनीज यूनिट्स की चेकिंग, 64 प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की गई, जबकि नाकिस इंतजाम पर 3 यूनिट्स को सील कर दिया गया है। इमरान मलिक से तफसीला जानेंगे। जी इमरान मलिक, बताइएगा। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन राइट मोहम्मद उस्मान के मुताबिक नाकिस इंतजाम पर 8 भारी जुर्माने जबकि 51 को वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। 6 प्रोडक्शन यूनिट से कैचअप और वाइनिस सैंपल्स मजीद तजिए के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है। इस वाले से तमाम शहरों में जो है वो चेकिंग जारी है और तमाम शहरों में, बड़े शहरों में सियालकोट, भागलपुर और रहीम यार खान में 1-1 प्रोडक्शन यूनिट्स को सील किया गया है। सील की गई यूनिट कैचअप की तैयारी में टमाटर की जगह फ्लेवर और स्टार्च का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि कपड़ों को लगाने वाले माया में टेक्सटाइल रंग डालकर कैचअप तैयार की जा रही थी। डीजीपुर थार्टी कैप्टन डायर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम, लाल बैग, मक्खियों की भरमार और नीले ड्रम भी मौजूद पाए गए हैं। रमजान मुबारक की आमद आमद है और रमजान से कबल ही कैचअप की तैयारी और मांग में इजाफा हो जाता है, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के इंतफाज से इंडस्ट्री में बेहतरी ला रही है और इस वाले से सुबह भर की तमाम प्रोडक्शन यूनिट को अचानक मना किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक।